तू जान न जान वे बेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान वे बेड़े आवड़ मेरे, ओ भावे तू जान न जान वे बेड़े आवड़ मेरे, एवरीबॉडी। आज संडे का दिन है और बहुत ही लेजी दिन है। संडेज वैसे यूजुअली मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन आज का दिन अच्छा होने वाला है, बिकॉज हम जा रहे हैं डोगर रेस्टोरेंट, वहाँ से जाके हम लेंगे नाश्ता। नाश्ते में हम क्या ले रहे हैं आज, सारे घर वाले कह रहे थे कि हलवा पूड़ी वैसे हम में से किसी को इतनी खास पसंद नहीं है, लेकिन संडे को कुछ स्पेशल होता है। यानी यूजुअली ये होता है कि संडे को मैं पराठा और अंडा और चने वगैरह इस तरह की चीज़ें खा लेती होती हूँ। सो आज बिकॉज संडे था और क्लीन ईटिंग भी चल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा यार चलो कोई बात नहीं। अच्छा, सो हम लेके आए हैं नान, चने, और बस यहाँ पर जो है वो मैं चने निकाल रही हूँ और उनको मैं बोल के अंदर डालूँगी, उसके बाद फिर मैं नान और चने खाऊँगी। वैसे मुझे पराठे बहुत पसंद है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों का जो वीकेंड वाला ब्रेकफास्ट है, क्या वो दूसरे ब्रेकफास्ट से डिफरेंट होता है या नहीं होता, या ये कीड़ा मेरे अंदर ही है। या इसके अलावा भी आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को फेवरेट कौन सी चीज़ है जो आप लोगों को नाश्ते के अंदर पसंद है, या फिर अगर आपने यू नो कैलोरीज़ के बारे में ना सोचना हो तो आप क्या खाना पसंद करते हैं। अगर मैंने ना सोचना हो तो मैं पराठा खाऊं, नान खाऊं, मुझे नान भी बहुत पसंद है। सो यहाँ पे जो है वो बहुत ही मज़ेदार किस्म के चने जो हैं उनको मैं निकाल के बोल के अंदर डाल रही हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे पहले वीडियोस में कमेंट किया करते थे कि आपके जो कुकिंग वाले बिट्स होते हैं ना, जो आप अपनी वीडियो के अंदर कुकिंग वाले बिट्स, यहाँ पर कि जो आप किचन के अंदर काम कर रही होती हो, वो वाले बिट्स हमें बहुत पसंद हैं। तो क्या अभी भी आपको पसंद है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसके अंदर जो है वो मैं नान निकाल के गरम गरम रख दूँगी, और इसके अलावा फिर मैंने पहले हाफ नान ले लिया था, लेकिन मैंने इसके साथ पराठा भी खाया था, तो क्या मैं फिल्म करना भूल गई, और वो भी मैं आई डोंट नो कैसे भूल गई। अच्छा, कैसे लग रहे हैं आप लोगों को मेरे डेली ब्लॉग्स, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लास्ट में बताना है। इसके अलावा आप लोगों की अगर कोई रिक्वेस्ट है वीडियो से रिलेटेड तो वो भी आपने मुझे लास्ट में बतानी है। सो यहाँ पे मेरा नाश्ता इज़ रेडी, और इसके साथ मैंने पी थी कॉफ़ी, प्लस मेरी मेडिकेशन, जो मेरी एक्ने की मेडिकेशन चल रही है, एक एंटीबायोटिक है, और इसके अलावा एक जो है वो आई डोंट नो कौन सी है, वो डॉक्टर ने मुझे दी हुई है, काफ़ी हैवी मेडिसिन है वो, उससे स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई फ्लेक ही होना शुरू हो जाती है। सो मेरी स्किन के ऊपर काफ़ी ड्राइनेस हुई भी आजकल। सो यस, यहाँ पे जो है वो मेरा नाश्ता हो गया रेडी, ये मैं आपको अपनी मेडिसिन दिखा रही हूँ। और किसी ने मुझे लास्ट वीडियो में पूछा हुआ था कि आप कौन सी मेडिसिन ले रही हैं, तो मैं आपको ये नहीं बता सकती, बिकॉज अगर आपने आपको ये इशू है और आप ये खाना चाह रही हैं तो फिर मैं आपको ये हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज यू हैव टू गो कंसल्ट योर डॉक्टर एंड देन टेक दिस मेडिकेशन, बिकॉज हर बंदे की बॉडी का डिफरेंट हिसाब होता है, और ये मेडिकेशन से पहले प्रॉपर टेस्ट होते हैं, देखा जाता है कि आपकी बॉडी जो है उसको ये फॉर्मूला सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो किस तरीके से इसके साथ रिएक्ट कर रही है। सो यस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आई एम टेकिंग माय टाइम एंजॉयिंग माय चने, ओ माय गॉड इतने मज़ेदार लग रहे हैं ना यहाँ पे भी, अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ ना। सो अच्छा, ओके, सो आज मैं ये वाला ड्रेस पहन रही हूँ, दिस इज़ बाय बोनांजा सतरंगी, दिस इज़ इन द साइज 12, और ये भी मैं पहन के दिखाती हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं आर्मी म्यूज़ियम, और इसके साथ ना ये शलवार है, और शलवार है लाइक ट्राउज़र नहीं है, शलवार है, और इसके पैंटो पे ये हुआ हुआ है, बड़ा प्यारा सूट है, मुझे बड़ा पसंद था, आया था खद्दर का है सूट, लेकिन इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई हुई, और ये इसकी नेक लाइन है, नेक लाइन भी बहुत प्रिटी है। सो ये अभी प्रेस किया है रुखसाना ने, और अब मैं इसको पहनूंगी, और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक कैसी आती है, और प्लस हम लोग आर्मी म्यूजियम जा रहे हैं। मैं फटाफट हो गई हूँ तैयार, इसके साथ मैंने पहने हैं ये वाले इयररिंग्स, बहुत क्यूट लग रहे थे, इसके साथ मैंने एक बैग कैरी किया था। इसके अलावा मैं समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसके साथ कोला पूरी पहनूँ या फिर मैं दूसरी मेरी चप्पल थी मैं वो पहनूँ, लेकिन मेरा आई एंडेड अप वेयरिंग दूसरे वाले चप्पल, वॉल मास्क की चप्पल थे जो कि मैं शूट करना दिखाना भूल गई हूँ, और इसके अलावा नेल पॉलिश मैंने उतार दी हुई है। I was wondering if I could stay together with you tonight. It would be cool if I could share a little.
little spot on your couch. Am I a fool if I think that you and I could feel okay with me calling it out? ये है आर्मी म्यूजियम और ये इंडियन कोई टैंक है जो कि 1965 की जंग में कब्जे में लिया गया भारतीय टैंक. बहुत प्यारा है वैसे. आई थिंक इसके ऊपर इन्होंने पेंट शेंट किया हुआ दोबारा से. सो इट्स नाइस. मैं पहली मर्तबा आई हूँ वैसे, जस्ट बाय द वे. अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे पास जो है वो हेलीकॉप्टर्स भी हैं, टैंक्स भी हैं, अलग कर दिया सब कुछ है. अच्छा जी, ये जो म्यूज़ियम था ना, इट ब्लू माई माइंड बिकॉज मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना फाइन वर्क इन्होंने इसमें या इतनी एफर्ट इसमें पुट की भी होगी. अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चे हैं जो कि यू नो मे बी 8 साल से बड़े हैं, तो आप इनको लाजमी यहाँ पर लेके आए. यू विल इन्जॉय इट. ये लो कैंडीज. और ये रैपर्स नहीं इधर फेंकने, ओके? ये सारे इकट्ठे कर दो, मुझे दे दो. थैंक यू. एक्सीडेंट हो गया. एक्सीडेंट हाँ मिली थी. बहुत ही टूटने लगा था. आई नो कि मैं क्लीन ईटिंग पे हूँ और मुझे ये पापड़ भी हरगिज़ नहीं खाना चाहिए था, लेकिन मैंने ये खा लिया बिकॉज सब खा रहे थे, तो मैंने दिल किया कि चलो मैं भी खा लेती हूँ. खाया तो सही, लेकिन उसके बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होना शुरू हो गई बिकॉज आई थिंक ये जिस ऑयल के अंदर फ्राई हुआ हुआ था वो ऑयल अच्छा नहीं था, साफ़ सुथरा नहीं था. सो मुझे बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होना शुरू हो गई थी. फिर जब मैं घर आई तो फिर मैंने आके एक एप्पल भी खा लिया था, बिकॉज ये होता है कि जब भी आप हैवी फील कर रहे हो तो या तो एप्पल आपको हेल्प करते हैं या फिर आप जो है ग्रीन टी ले लें तो वो भी आपको बहुत हेल्प करती है, या फिर सिंपल प्लेन गर्म पानी में आप पी लें तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है. अच्छा, कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ अपना वेट तो शेयर कर दिया था, लेकिन मैंने अपनी हाइट शेयर नहीं की. तो मेरा वेट जो है वो 66.8 केजीज़ हुआ हुआ है और मेरी जो हाइट है दैट इज़ 5.7. जो आपकी हाइट होती है उसके हिसाब से आपका वेट होता है और आपका कैलोरी इनटेक भी उस हिसाब से होता है. लेकिन खैर, आज जो है वो मैंने इतना सोच समझ के नहीं खाया जैसे कि आप देख सकते हैं. सो ये दिखाने का मकसद ये है कि आपके घर में अगर दावत चल रही है या फिर अगर आप कहीं बाहर चले गए हो तो आप किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो. बिकॉज मुझे कैंडीज़ भी ऑफ़र हुई, मुझे बाकी की चीज़ें भी ऑफ़र हुई, लेकिन मैंने वो नहीं खाया. प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्ब्स बने हुए हैं, यानी कि चावल बने हुए हैं और मैं वो भी खा रही हूँ, लेकिन इसके साथ मेरे पास क्योंकि गोश्त भी है, रेड मीट है, सो मैंने वो खा लिए. और आज की जो आज का जो मील है वो 1200 कैलोरीज़ नहीं रहा. मुझसे कमेंट सेक्शन में कोई पूछ रहा था कि कितने कैलोरीज़ का मील प्लान है, तो मेरा मील प्लान जो है दैट इज़ फॉर 1200 to 1500 कैलोरीज़. बट यहाँ पे मेरी आज के जो दिन है ना उसमें कैलोरी एक्सीड हो गई है. पर आप एक आधे हफ्ते के अंदर 5 दिन आप फास्टिंग करें और 2 दिन आप स्किप कर दें तो दैट इज़ कम्प्लीट फाइन. बल्कि ये ज़्यादा अच्छा है आपकी बॉडी के लिए या आपके सिस्टम के लिए ज़्यादा बेहतर है. सो थोड़ी सी ओवर ईटिंग हो गई आज, लेकिन इट्स फाइन क्योंकि बीच में स्नैकिंग भी हो गई. एंड इसके डिनर के साथ जो है मैंने विटामिन डी का सप्लीमेंट भी लिया था क्योंकि वो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है कि वो डिनर के टाइम पे लेना है, बिकॉज जो विटामिन डी है वो आपको स्लीप में भी हेल्प करता है. सो उसके बाद मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है यार, अब मेरी चीटिंग तो हो ही गई है. तो ये मैंने एक छोटा सा ब्लॉग था चॉकलेट का, तो वो मैंने वो भी खा लिया है. और उसके बाद फिर जो है ये
थोड़ी बहुत वॉक शॉक हो गई और बस इसके बाद फिर दिन ख़त्म हो गया। आप लोग मुझे बताएं आप लोगों का संडे कैसा गुजरा है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड लव यू।